नमस्कार, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। मैं हूं आशुतोष। आप लोगों ने देखा है किस तरह वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में ऐतिहासिक भीड़ थी। हमने काशी की जनता से बात किया, उनका ये कहना था इस बार 400 पार होगा और 80 में 80 जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है वो बनारस पीएम मोदी के आने से जीतेंगी। और ये रोड शो ऐतिहासिक रोड शो है और ये मालवीय चौराहे से शुरू होकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक समाप्त होगा। मोदी जी के रोड शो में पूरा काशी सड़क पे उमड़ पड़ा है और पूरा काशी इस बार जितने लोग सड़क पे हैं उससे ज्यादा लोग टीवी पर हैं और सारे के सारे लोग 10 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर हम अपने प्रधानमंत्री को देश की सबसे बड़ी संसद में भेजेंगे। तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। पहले तो बता दे काशी में मोदी का स्वागत है और हम सभी काशी वासियों इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और आप सभी से निवेदन है आने वाले 1 जून को भारी से भारी मतों से विजय बनाए हमारे सांसद आदरणीय लोकप्रिय मोदी जी को। जी अभी तक इतना बाहर काफी पीछे मोदी जी है और हमें लगता है कि इस बार 400 पार हो के रहेगा। देख ही रहे किस तरह का माहौल है। मोदी जी के लिए क्या प्यार है यहाँ पे सबके लिए और ये सब जो आए हैं इनका यही कोशिश है, इनकी यही मेहनत है कि मोदी जी फिर से आएंगे। लग रहा है ये ऐतिहासिक रोड शो होगा। जी जी एकदम ऐतिहासिक होगा, बनारस का कोई भी रोड शो ऐतिहासिक ही होता है। जय श्री राम। प्रधानमंत्री का रोड शो है सर, आप लोग इसमें शामिल है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बम बम हर हर काशी। किस तरह का उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह, एकदम जबरदस्त है। हर कहा जा रहा है ऐतिहासिक रोड शो है, ये तो क्या हो रहा है? हाँ बढ़िया हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 400 पार मोदी जी इस बार 7 लाख करोड़ से विजयी होंगे। आप बनारस की स्थिति देख रहे हैं और 400 से ऊपर सीट आएगी मोदी जी की, इसलिए कि इन्होंने बनारस के लिए जो काम किया वो 20 साल आगे बनारस को बढ़ा दिए, 20 इयर्स आगे। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? बिल्कुल 400 पार होगा एकदम पूरा। एकदम मोदी में माहौल है यहाँ का, बनारस को कोई जोर नहीं है मोदी जी का। 400 पार मोदी की सरकार इस बार आएगी और 400 पार जाएगी। मोदी की गारंटी है, मोदी बोले हैं, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाए हैं, देश को दिखाए हैं, पूरे वर्ल्ड को दिखाए हैं। ऐतिहासिक देश ऐतिहासिक होना ही है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही है। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय।